नवरंगपुर जिले में खरीफ ऋतुर 2023-24 पर जिला स्तरीय धान संग्रह बैठक स्थानीय मिशन शक्ति हल्ठे अनुष्ठित होई। बैठक में आसंता डिसेंबर 10 तारीख दिन जिले में मंडी खोलिबा नै निष्पत्ति निया जायथिला। तबे चलित वर्ष जिला को मोर 2,08,000 मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य धार्य करा जायछि। धान बिक्री 46,639 जन चाषी रजिस्टरभुक्त होती। एथिरे 13 गोटी लैंप और 45 महिला स्वयं सहायक संस्था और 2 पानी पंचायत द्वारा धान संग्रह करा जिवो। धान संग्रह पई मोट 60 केन्द्र स्थापन करा जिवो बोली बैठक में सूचना दिया जायथिला। डब्ल्यूएसएचजी 45 टी और पानी पंचायत 2 मोट 60 जन प्रोक्योरिंग एजेंसी रही छथि। एवं गत वर्ष मध्य हमर पीपीसी 60 थिला पेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर। ए वर्ष मध्य से 60 टी पेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर धान क्रय करा जिवो। तबे बैठक में धान मंडी में कटनी छटनी करा अभियोग होता। एथस मंडी में होवस्था नहीं कमिटी सदस्य माने अभियोग करते। एथस तुरंत ओजन सुविधा जोगे 2 स्थान में वेइंग मशीन स्थापन करने 2 मोबाइल वे ब्रिज परीक्षामूलक व्यवहार कर बैठक में निष्पत्ति। एथसह मंडी में चाषीों सुविधा दृष्टि रखी विश्राम स्थान आलोकीकरण व्यवस्था शुद्ध पानी जलर व्यवस्था सह वर्षा दाउर रक्षा करने व्यवस्था करने निष्पत्ति। नवरंगपुर जिलापाल डॉक्टर कमल लोचन मिश्र अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में विधायक नित्यानंद गंड मनोहर गंडारी सदाशिव प्रधान सांसद प्रतिनिधि प्रमोद पाढ़ी जिला जोगाण अधिकारी वेणुधर पाणिग्राही समेत जिला स्तरीय अधिकारी मिल्स आसोसीएसन कर्मकर्ता उपस्थित थे। नवरंगपुर किशोर कुमार विश्वई रिपोर्ट दूरवार्ता डिजिटल लाइव। सकाळर अतिथि प्रत्येक सोमवार सकाळ 7:30 मिनिटरे देखिबाकु भुलिबेनि केवल दूरवार्ता डिजिटल लाइफ रे। सामग्रिक वातावरण आध्यात्मिक परिवेश उच्च कोटीर पाठपढ़ा घरे खाइबा सह उत्तम जत्न खेलकूद सह अनेक किछि उपलब्ध करंतु टीएससी गुरुकुल रे संपूर्ण आवासीय स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटणा भुवनेश्वर।